हाय डियर कुरल, पिछले आर्टिकल में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लिया था। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकाला था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकाला था, और मिक्स कॉम्बिनेशन यानी पैरेलल भी है और सीरीज भी है, तो उसका मिक्स कॉम्बिनेशन एकदम सिंपल ऐसी ट्रिक दी थी हमने आपको डियर स्टूडेंट। तो हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसे टीचिंग करते हैं फिजिक्स की, आपको सिंपल ऐसी ट्रिक्स देते हैं, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। तो आज जो है हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो कैपेसिटर है इट इज डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन। तो उसमें अगर दो अगर पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर में तो वो हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो अगर स्फीयर अगर है तो वो हो गए स्फेरिकल कैपेसिटर, और सिलेंड्रिकल अगर है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, तो वो हो गए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आज जो है हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर का जो हमारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला लिया हुआ है वो हम आपको थोड़ा उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, उसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। और हमने जो आइसोलेटेड स्फीयर का जनरल फॉर्मूला जो निकाला था कैपेसिटेंस का, वो स्फेरिकल कैपेसिटर से वो फॉर्मूला कैसे आता है वो भी हम आपको समझाएंगे। तो ये जो है डियर स्टूडेंट बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और थ्योरेटिकल जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब पहले हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक का लेंगे आर्टिकल, उसका फॉर्मूला निकालेंगे, और उसके बाद अगर डाइलेक्ट्रिक अगर हम अगर प्लेस अगर किए तो क्या होगा तो उसका भी फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंस्ट्रक्शन कैसी रहती है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट थिन कंडक्टिंग प्लेट्स, वन प्लेट्स एंड सेकंड प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस बी विथ अ इंसुलेटिंग मीडियम अब यहाँ पे जो इंसुलेटिंग मीडियम जो लेंगे हम वो है एयर, यानी इसमें कोई ये जो स्पेस है दो प्लेट की जो बिटवीन जो स्पेस है इट इज फिल्ड विद एयर, दो प्लेट के जो बीच की जो स्पेस है दैट इज स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स फिल्ड विद एयर। तो ये हो गया विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में, इस पे अगर हमने पॉजिटिव चार्ज अगर डिपॉजिटेड अगर हम करते हैं तो यहां पे नियर साइड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा इंड्यूस होगा, और फार साइड में क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन उसको अगर हमने अर्थ से अगर कनेक्ट अगर किया तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज द इट इज ओनली रिमेन द नेगेटिव चार्ज ऑन द सेकंड प्लेट, पॉजिटिव चार्ज इज गोज टू द अर्थ। अब सिग्मा जो है सिग्मा ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये जो है ये है एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो और ये है पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये है नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला दैट इज क्यू बाय ए, क्या है क्यू बाय ए। सो ये होगा हमारा पॉजिटिव सिग्मा और ये होगा हमारा नेगेटिव सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल डियर स्टूडेंट, आउटर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसा आया है, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे इट इज नॉट इक्वल टू जीरो आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा।
तो एक बात ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी इट इज आउटवर्ड ओके, और नेगेटिव चार्ज प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी इट इज टूवर्ड्स दैट प्लेट। नेगेटिव चार्ज प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन रहेगी इट इज टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। ओके, अब यहां पे तीन साइड हम लेते हैं, एक ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गई सेंटर की साइड और ये हो गई राइट साइड। ओके, ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड हो गई ये, उसके बाद ये होगा सेंटर और ये होगा राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और ये होगा सेंटर। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज प्लेट इट इज आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा ये हो गए उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन, इसको हम ई प्लस से डिनोट करते हैं। ओके, और उसके बाद निगेटिव चार्ज प्लेट का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसकी डायरेक्शन इट इज टूवर्ड्स द निगेटिव प्लेट, यानी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ड्यू टू द निगेटिव उसकी जो डायरेक्शन रहेगी इट इज टूवर्ड्स द निगेटिव प्लेट, इट इज टूवर्ड्स निगेटिव प्लेट, यानी यहां पे हम उसको ई माइनस लिखते हैं डियर स्टूडेंट, उसको हमने किस तरह ई माइनस लिखा। अब सेंटर में पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन रहेगी इट इज आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी ये स्पेस से आउटवर्ड हमें इधर निकालना पड़ेगा, यानी ये हो गए आउटवर्ड, ये हो गए हमारा ई प्लस, और नेगेटिव चार्ज से जो डायरेक्शन रहेगी सेंटर की इट इज टूवर्ड्स, इट इज टूवर्ड्स टूवर्ड्स, यानी यहां पे हमने ये निकाला है ये हो गया हमारा ई माइनस, ये क्या हो गया हमारा ई माइनस। ओके, उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज प्लेट की जो डायरेक्शन रहेगी इट इज आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी राइट हैंड साइड ये है यानी डायरेक्शन आउटवर्ड, राइट हैंड साइड की डायरेक्शन आउटवर्ड एरो ऐसा निकालेंगे हम, ये हो गई ई प्लस की डायरेक्शन, और निगेटिव जो रहेगा निगेटिव प्लेट की राइट हैंड साइड में इट इज टूवर्ड्स द निगेटिव प्लेट, यानी राइट हैंड साइड में टूवर्ड्स यानी ऐसा एरो निकालना पड़ेगा, यानी ये हो गए ई माइनस, ये क्या हो गया ई माइनस। ओके, अगर हमने अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कैलकुलेट किया और जनरल जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट का फॉर्मूला निकाला था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना थी दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टॉइस एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अब यहां पे अगर हमने अगर दिखा इसका एरो और इसका एरो अपोजिट है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा ई का टोटल सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी ईएल जो है लेफ्ट हैंड साइड में ईएल की वैल्यू जीरो आ गई है। उसके बाद ईआर, ईआर क्या है देखो इसकी वैल्यू इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, यानी आउटर रीजन में लेफ्ट हैंड साइड रहो या राइट हैंड साइड रहो आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी जीरो रहेगी। अब सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन क्या है पैरेलल है, पैरेलल है यानी इट इज असिस्ट टू इच अदर, इट इज अपोज टू इच अदर, असिस्ट यानी सुपर पोजिशन, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एड करना पड़ेगा, यानी सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसको हम ईसी से डिनोट करते हैं वो क्या रहेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो ईसी दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ओके, अब अगर ये अगर डायग्राम अगर हमने कंप्लीट अगर डायग्राम अगर निकाली सिंपल में ऐसे अगर डायग्राम अगर निकाली तो डायग्राम हमें ऐसे मिलेंगे डियर स्टूडेंट,
डायग्राम हमें ऐसे मिलेगी, ये हो गया है पॉजिटिव सिग्मा, ये हो गया है निगेटिव सिग्मा, यहां पे ई की जो वैल्यू होगी वो होगी जीरो, ये हो गए पॉजिटिव चार्ज पे, ओके, और उसके बाद ये हो गए निगेटिव चार्ज पे, इट इज कनेक्टेड टू अर्थ, यहां पे भी ई की वैल्यू क्या मिली जीरो, और सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी इट इज पॉजिटिव टू निगेटिव, इट इज पॉजिटिव टू निगेटिव, इट इज पॉजिटिव टू निगेटिव, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसी डायग्राम डियर स्टूडेंट इसकी होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितने आए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, हमें जनरल फॉर्मूला पता है डियर स्टूडेंट, जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज सी इक्वल टू क्यू बाय वी, जनरल फॉर्मूला है। अब क्यू वी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, और वी का सेपरेशन डिस्टेंस डी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या रहता है डियर स्टूडेंट, ई दैट इज इक्वल टू वी बाय डी, देयरफॉर वी इक्वल टू ई डी, वी इक्वल टू क्या मिला डियर स्टूडेंट, वी इक्वल टू ई डी, ओके। अब वी इक्वल टू ई डी मिला, वी इक्वल टू ई डी मिला, तो ई की वैल्यू अगर हमने यहां पे अगर ये सब्स्टिट्यूट अगर की, वी इक्वल टू ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू डी होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, लेकिन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो क्या है, क्यू बाय ए है, यानी वी दैट इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन जीरो डी, क्यू बाय ए एप्सिलॉन जीरो डी। अब कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में ये अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर किया, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यू बाय वी, क्यू बाय वी, ओके। अब V का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू डी बाय ये एप्सिलॉन जीरो, अब ये एप्सिलॉन जीरो क्या होगा, न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, क्यू डी आएगा, क्यू क्यू क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी ये एप्सिलॉन जीरो, ये एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय डी, ये एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय डी, ये एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय डी, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, ओके। अगर हमने इधर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो जनरल जो फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस का, जनरल फॉर्मूला सी इक्वल टू ये एप्सिलॉन जीरो के डिवाइडेड बाय डी, वेयर के इज द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के इज द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ओके। अब बाद में फिर हम थिकनेस, बाद में इफेक्ट वो बाद में लेंगे, लेकिन जनरल फॉर्मूला है अगर डाइइलेक्ट्रिक अगर प्लेस अगर करते हैं तो कैपेसिटेंस जो होगा विथ ईयर से डाइइलेक्ट्रिक अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर किया, मीडियम अगर दो प्लेट के बीच में अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हमने प्लेस अगर किया तो उसकी कैपेसिटी के टाइम्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। और हमने पता है डियर स्टूडेंट कि जो डाइइलेक्ट्रिक जो है इट इज यूज टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, इट इज यूज टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। तो सिंपल ऐसा आर्टिकल था डियर स्टूडेंट, और ईयर के लिए के की वैल्यू क्या है, वन है, और के की वैल्यू अगर वन अगर रही तो हमें ये सेम फॉर्मूला मिलेगा, ये एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाई डी। तो इस पर से हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पर डिपेंड्स है, एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी ऑफ फ्री फेस ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा, इट इज डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एंड ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन आ गया, एरिया को अगर हमने इंक्रीज अगर किया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स अगर हमने क्या किया, डिक्रीज अगर किया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड इंक्रीज करने के लिए एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा और सेपरेशन डिस्टेंस जो है दो प्लेट का उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, ओके। उसके बाद जो पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है वो हमने अभी लिया है,
उसके बाद हम जो है वो जो है वो हम लेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला, स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, अब स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या रहेगा? स्फेरिकल कैपेसिटर में ये होगा इनर स्फेरिकल शेल, टोटल चार्ज है इसका प्लस क्यू, और उसकी जो इनर जो रेडियस है वो है ये। ओके, उसके बाद ये जो है आउटर स्फेरिकल शेल, ये हो गया कॉन्सेंट्रिक आर्मी को ना। ओके, आउटर स्फेरिकल शेल, इसका जो चार्ज है वो चार्ज है दैट इज द नेगेटिव, इसका जो चार्ज है वो होगा नेगेटिव, यानी वो ये होगा माइनस क्यू, टोटल चार्ज पॉजिटिव क्यू, टोटल चार्ज माइनस क्यू। ओके, उसके बाद उसकी जो रेडियस जो रहेगी वो रेडियस रहेगी, उसकी जो रेडियस रहेगी वो रेडियस रहेगी आउटर स्फेरिकल शेल की बी। बी क्या है डियर स्टूडेंट? रेडियस है आउटर स्फेरिकल शेल। ओके, उसके बाद अब आउटर स्फीयर जो है उसका जो पोटेंशियल रहेगा विच इज एट अ जीरो पोटेंशियल, उसको हम किस पर रखते हैं? जीरो पोटेंशियल पर रखते हैं। तो हमें जो पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा फिर? रिजल्टेंट पोटेंशियल V इक्वल टू वी वन माइनस वी टू, दैट इज इक्वल टू वी टू की वैल्यू जीरो आएंगी, तो V इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखते हैं डियर स्टूडेंट, V इक्वल टू जनरल फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय आर। यहां पे इनर के लिए आर इज सब्स्टिट्यूट एज ए और आउटर के लिए आर इज सब्स्टिट्यूट एज अ बी, तो हमें क्या मिलेगा? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय ये क्यू है डियर स्टूडेंट, क्यू बाय ए माइनस क्यू बाय बी, क्यू बाय ए माइनस क्यू बाय बी। ओके, उसके बाद अगर क्यू अगर हमने यहां पे अगर कॉमन अगर निकाला तो ये यहां पे होगा एक क्यू, यहां पे होगा वन अपॉन ए और यहां पे होगा वन बाय बी। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये जो वी है वो क्या होगा फिर? क्यू बाय फोर पाय एप्सिलॉन जीरो, ये होगा बी माइनस ए अपॉन ए बी। यहां पे क्या मिला डियर स्टूडेंट हमें? बी माइनस ए अपॉन ए बी। ओके, अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? सी इक्वल टू क्यू बाय बी, सिंपल, सी इक्वल टू क्यू बाय बी। अगर हमने यहां पे अगर वी की वैल्यू अगर ये अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ये भी ये न्यूमरेटर में जाएगा और क्यू अपॉन बी माइनस ए क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा, यानी क्यू क्यू कैंसिल हुआ तो हमें क्या मिलेगा? फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, फोर पाई एप्सिलॉन जीरो बी माइनस सॉरी फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ये बी अपॉन बी माइनस ये फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ये बी अपॉन बी माइनस ए, और डायरेक्टली कॉन्स्टेंट अगर रहा तो फिर यहां पे हम क्या लेंगे? के लेंगे, यानी फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के ये बी अपॉन बी माइनस ए। ओके, अब ये होगा स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले को अगर हमने आइसोलेटेड कैपेसिटर का अगर फॉर्मूला अगर किया तो वो फॉर्मूला कैसा होगा? देखो फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, देखो कैसा होता है, ये अपॉन वन माइनस ए बाय बी। क्या किया है हमने डियर स्टूडेंट? फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ये वन माइनस ए बाय बी। अब इसको बी से डिवाइडेड किया और इसको बी से डिवाइडेड किया तो हमें ये मिलेगा। अब आइसोलेटेड स्पीयर के लिए, आइसोलेटेड स्पीयर यानी सिंगल, उसमें डबल नहीं रहेगा, इनर आउटर नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा, तो इसको हमें आउटर स्पीयर को हमें बी को हमें इंफिनिटी पे रखना पड़ेगा। बी को हमें किस पे रखना पड़ेगा? इंफिनिटी पे रखना पड़ेगा, यानी बी की वैल्यू इंफिनिटी और ये इज कन्वर्टेड इंटू आर, ये इज कन्वर्टेड इंटू आर, ये बी इंफिनिटी होगा, वन अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू जीरो आती है, वन माइनस जीरो वन होगा,
फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ई का वैल्यू कन्वर्टेड आर से, यानी ये हो गया हमारा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर, जो हमने आइसोलेटेड स्पीयर का जो फॉर्मूला निकाला था कैपेसिटर का, वही फॉर्मूला हमने ये फॉर्मूले से भी निकाला है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल। उसके बाद सिमिलरली सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का क्या आता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला टू पाई एप्सिलॉन जीरो यल अपॉन लॉग बेस ई बी बाई ए। सेम अगर हमने ऐसा ही अगर किया प्रोसेस तो हमें ये मिलेगा टू पाई एप्सिलॉन जीरो यल लॉग बेस ई बाई ए। अब लॉग ई के बेस को हमें टेन में कन्वर्ट करना है, तो टू पाई एप्सिलॉन जीरो यल, यल यानी लेंथ ऑफ सिलेंडर है, लॉग बेस टेन, टेन अगर करना है तो 2.303 लॉग ऑफ बी बाई ए, लॉग ऑफ बी बाई ए, यानी इसका जो बेस है वो है 10। ई के बेस को अगर 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो 2.303 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट सिंपल ऐसा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के फॉर्मूले। स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला हमने डिराइव करके दिया है आपको, तो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटर रीजन में जीरो क्यों होती है, सेंटर में इट इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होती है, तो वो भी हमने आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया है। ये जो वीडियो है डियर स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कीजिए डियर स्टूडेंट, हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम अकाउंट की लिंक हम देते रहते हैं, तो आप वो टेलीग्राम अकाउंट की लिंक पे क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वीडियो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया डियर स्टूडेंट, लेकिन हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, तो पूरा वीडियो दिखेगा डियर स्टूडेंट विदाउट स्पीड, और आप अच्छा ही रिस्पॉन्स दे रहे हो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, थैंक यू सो मच।